हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सोचने का टाइम नहीं मिला और अभी फिर थोड़ा सा टाइम मिला है तो लोगों ने भी बोला कि पूरा फिर से निर्माण करें, तो फिल्मों का निर्माण हम पूरी प्लानिंग करी जिसमें रवि सिन्हा और तिवारी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छी अच्छी स्टोरी उन्होंने बताई मुझे, एक्चुअली स्टोरी बहुत पसंद आई जो भोजपुरी के लिए बहुत ही मान सकते हैं कि हम हिट सब्जेक्ट है। अजय गजब है और रामा की स्क्रिप्ट तो मुझे इतनी पसंद आई कि ये ऑन द स्पॉट मैंने ओके बोल दिया। और कब हुई ये मिलन पर हमारे में भी हमारे छः पेयर हैं और छों के छों का किरदार अलग है। जैसे कि आप अगर फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, तो हर एक छः पेयर है, तो प्रत्येक पेयर के इसमें एक एक इंसिडेंट होता है, इस प्रकार वो लोग उसको फेस करते हैं। बहुत ही मनोरंजन तरीके से उसको पेश करके एक रोमांटिक और बहुत ही कलात्मक फिल्म आपको देने जाती है। हाल ही में खेसारी जी गए थे बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस खेसारी जी गए थे उसमें? मैं आपको बता दूं कि मैं बिग बॉस की डाई हार्ट फैन हूँ, मुझसे कभी मिस नहीं होता और मिस हो जाता है तो मैं उसका रिपीट एपिसोड जरूर देखती हूँ। खेसारी जी भी गए थे तो मैंने उनको देखा था और मैं फ्रेंकली बताऊँ तो मैं खुद जाना नहीं पसंद करूँगी, मुझे दूर से देखना अच्छा लगता है। जैसे कि दूर के दूर से झगड़े देखना पसंद आता है तो उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत झूठ बोला जाता है। तो हमारे खेसारी मैन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, साफ दिल के इंसान हैं और सच्चाई उनमें कुट कुट के भरे हुए, तो शायद इस वजह से वो उसमें सफ़र नहीं कर पाए और वो अपने आप में एक विनर है, मैं उनको विनर मानती हूँ। लेकिन पहले भी गए थे कई सारे भोजपुरी आर्टिस्ट, रवि किशन जी गए थे, मनोज तिवारी जी गए थे, क्या कहना चाहेंगे, अलग क्या पाया आपको लगा कि वो माहौल में एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी बनावटीपन होता है और इनका जो है मतलब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, तो कितना ज़्यादा आपको लगा कि? मुझे लगता है ना हम यूपी बिहार के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और जो भी चीज़ करते हैं ना दिल से करते हैं, तो इसीलिए शायद हमारे लोग ज़्यादा उसमें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पॉलिटिक्स नहीं झेल पा पाते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में हम लोग बहुत ही ईमानदारी से सच्चाई से अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे ये सब नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो आपको कितनी ख्वाहिश है कि आप भी उस चीज़ का हिस्सा बने, क्योंकि सलमान होस्ट करते हैं, सलमान का हर कोई फैन है, क्या कहना? मैं पर्सनली तौर पर तो मैं बिग बॉस में जाना पसंद नहीं करूँगी। हाँ, परफॉर्मेंस अगर मुझसे सलमान सर के सामने करना पड़े तो डेफिनेटली करूँगी, वो भी सर सलमान जी के लिए। और हाल ही में देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है, मतलब इतनी सारी बलात्कारी घटनाएं हो रही, क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुखद बात है कि ऐसा माहौल है, जबकि कहा जा रहा है कि अच्छा गवर्नमेंट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतना माहौल असुरक्षित है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो गई है, प्रचार है सब जगह कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इस तरह की दुखद स्थिति, दुखद घटनाएँ सुनने को मिलती ही हो जाता है। फिर लगता है कि पता नहीं कब वास्तव में अच्छे दिन आएंगे। बस मैं यही लोगों से कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखिए, पेशेंस से बहुत बड़े बड़े मुश्किलों को किया जा सकता है। आपको साबित हो जाता है कि ये बहुत ही मार धाड़ वाली एक्शन मूवी होगी और प्रमोद प्रेमी जिस किरदार को निभा रहे हैं तो टोटली एक्शन मूवी आप। अभी सारी चीज़ें मैंने डायरेक्टर के ऊपर छोड़ रखी है, वो चीज़ को भी बोलेंगे हम उसको फाइनल करेंगे। हम लोगों में से कोई चांस मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो टैलेंट है जो आप दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली मिल सकता है। यूपी बिहार जो नए लड़के आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों के लिए कुछ मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए क्या है ना कि अगर जिसमें भी टैलेंट है और वास्तव में जुनून है, करने की चाहत है, तो डेफिनेटली उसका ऑडिशन देके उसको हम मौका भी देंगे। और क्या क्या नई प्लानिंग है फिल्म को लेकर? नई प्लानिंग है फिल्म को लेकर कि इसमें अच्छे से अच्छे गाने आए जो सुपर हिट रहे, जो लोगों को पसंद आए और परिवार बैठ कर के फिल्म साथ में देखें, ये भी हमारी प्लानिंग है। और अच्छे अच्छे लोकेशंस को हम दिखाना चाहते हैं हमारी भोजपुरी ऑडियंस को, जो भोजपुरी फिल्मों पर हमेशा दाग लगता आया है। मैं चाहूँगी कि हमारी फिल्म से ऐसा कुछ भी लोगों को नज़र नहीं आए, थोड़ा सा नज़रिया भी बदले लोगों का। डबल मीनिंग गाने नहीं होने चाहिए। बिल्कुल डबल मीनिंग ऐसा नहीं, हम लोग मनोरंजन के लिए बनाए, तो ऑडियंस की चाहत होती। देखिए अगर डबल मीनिंग के गाने बनते हैं तो लोग पसंद करते हैं तभी तो वो हिट होता है, अगर पसंद नहीं करते तो हिट नहीं होता। लेकिन कोई भी चीज़ एक दायरे में रह कर हम करेंगे, डेफिनेटली हम अपनी हदों को पार नहीं करेंगे। क्या प्रोडक्शन के बाहर भी फिल्में करेंगे कंटिन्यू? बिल्कुल, और कर भी रही हूँ मैं अभी, वो भी ओम जय जयते जब करने जाने वाली भीलवाड़ा फिर से,
मुझे 100% भरोसा है क्योंकि उन्होंने अपने हमारे घर का माहौल फिल्मी पहले से ही था, तो वो जब से कॉलेज में थे तब भी उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी फिल्मों में काम किया और टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वही सही मौका मिलना चाहिए और उन्होंने करके भी दिखाया है, काफ़ी फिल्मों की आई है, मराठी फिल्म पुस्तक को अवार्ड भी मिला है, तो इसके लिए पूरा आप एक और नए लड़के को लॉन्च कर रहे हैं जी, मैंने नाच नचिया तो मुझे यह किया था, इसमें मूवी नरवेज मेरे अपोजिट थे और हम लोग चौथे राउंड तक पहुँचे थे जिसमें गणेश आचार्य, सुधा चंद्रन जी और कानू जी इसमें जज थे, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और मूवी का नेचर बहुत अच्छा है, इट्स वेरी फैमिलियर, तो और हमारे हर फिल्मों में वो किसी न किसी रूप में कार्यरत है, तो फिर हम लोगों को लगा कि उन्हें इनको भी मौका दिया जाए क्योंकि उनमें भी टैलेंट भी फूट फूट के भरा हुआ, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर अच्छे कलाकार आना चाहिए, तो इसलिए हमने सामाजिक कार्यक्रम में कितना हिस्सा लेते हैं अपनी फैमिली? जब जब मौका मिलता है मैं सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होती हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। दर्शकों से यही कहूँगी कि अभी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, हमारी तीनों फिल्मों को पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब रिलीज़ हो जाएगी तो फिर भी आपके सामने आऊँगी और खूब सारा आशीर्वाद, दुआ की ज़रूरत है इस वक्त, मैं जो करूँ बहुत अच्छा करूँ और आप लोग उम्मीदों से खरा उठूँ और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.